नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर शौर्य संग्रहालय की सीएम आधारशिला रखेंगे और 21 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ आधारशिला रखेंगे। 23 करोड़ की लागत से शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है और शहीद पथ पर नौसेना का ये शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना का रिटायर युद्धपोत का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा और आईएनएस गोमती मिसाइल और अन्य का प्रदर्शन इस दौरान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर, शौर्य संग्रहालय की सीएम आधारशिला रखते नजर आएंगे। 21 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आधारशिला रखी जाएगी। 23 करोड़ की लागत से शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री रखेंगे और शहीद पथ पर नौसेना का शौर्य संग्रहालय जो है वो बनाया जाएगा और आईएनएस गोमती मिसाइल और अन्य का प्रदर्शन किया जाएगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर शौर्य संग्रहालय की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? ये देखिए, अगर बात करें शौर्य संग्रहालय को लेकर, तो जिस तरह से उसकी तारीख निर्धारित हो चुकी है और मुख्यमंत्री उसकी आधारशिला रखने वाले हैं, निश्चित तौर से ये लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात होगी, जिससे यहाँ के जो पर्यटक हैं वो उस संग्रहालय में पहुँचेंगे, तब बहुत चीज़ें उन्हें सीखने को मिलेंगी। भारतीय नौसेना से जुड़े तमाम युद्धपोत, तमाम मिसाइलें वहाँ पर दिखेंगी, जो रिटायर हो चुकी हैं, जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए और जो नौसेना का गौरवशाली इतिहास है उससे लोग परिचित होंगे, और जो बच्चे हैं, जो युवक हैं, वो वहां पर जाकर अपने देश की सेना पर गौरवान्वित हो सकते हैं। वहीं आपको बताते चलेगा, लखनऊ के शहीद मतलब कि इस एरिया की बात करें, जहां पर सेनानियों से जुड़ी बहुत चीजें बनाई गई हैं। अगर बात करें, जो एक एरिया निर्धारित किया गया है, वहां पर जो कारगिल के शहीद हैं उनकी स्मृतियों में स्मृति चिन्ह बने हुए, उनकी फोटो बनी और उनके बारे में बाकायदा पूरा विवरण लिखा हुआ कि वो कहां से आते थे, किस तरह से वो सेना में भर्ती हुए, किस तरह से कारगिल के युद्ध में उन्होंने बलिदान दे दिया और उस पर गर्व है। तो ये तमाम चीजें लखनऊ में पहले भी देखने को मिलती थी, तो अब उस क्रम में एक और बड़ी चीज जुड़ जाएगी जो शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है। तो निश्चित तौर से ये लखनऊ के लिए एक बड़ी सौगात जी। तो कितनी लागत से ये शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है जी? अगर इसकी लागत की बात की जाए तो इसकी लागत 23 करोड़ के आसपास बताई जा रही, और 23 करोड़ की लागत से जब ये बनकर तैयार होगा तो निश्चित तौर से भव्य होगा, और उसके साथ ही में जिस तरह से बात की जा रही है, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, जो चीजें रिटायर हो चुकी हैं, वो जब यहाँ पे मौजूद रहेंगी तो जो भी वहाँ पर देखने लोग जाएंगे उनके मन में स्मृतियाँ होंगी, वो उनके साथ सेल्फी लेंगे, और निश्चित तौर से जिस तरह से तमाम युद्धों में भारतीय सेना ने एक गौरव गाथा लिखी है, देश का तिरंगा झंडा को ऊंचा उठाया है, तो वो भी एक विवरण होगा वहां पर, और जो भी वहां पर पहुंचेगा उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है चंद्रमणि, आप बने रहिए हमारे साथ।